नमस्कार दोस्तों, कैफे और रंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का भरवा अचार। आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। ये मैंने लाल मिर्च ले लिए हैं और ये सरसों पाउडर है, नमक है, ये मंगरेला है, जीरा पाउडर है, अजवाइन है, सौंफ है, काला नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हींग है, हल्दी पाउडर है और ये तेल है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है। सबसे पहले हम मिर्च को इस तरह से ऊपर का भाग काट के हटा देंगे और इसका सारा बीज इसमें देखिए इस तरह से निकाल दिए। इसी तरह से हमने सारे मिर्च का बीज इसमें निकाल दिए। अब इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। सरसों पाउडर डालें, सरसों पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसी से मसाला तैयार होता है। अब हम इसमें उजला नमक डालते हैं। एक चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं। एक चम्मच मंगरेला, ये काला नमक, दो चम्मच काला नमक, अजवाइन एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, अमचूर पाउडर तीन चम्मच, ये सरसों, सरसों को भी भून के छोड़ दिए। हल्दी पाउडर है एक चम्मच, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर भी डाल देते हैं, इसको आधा पीस लिया। अब इसमें हम हींग डालते हैं, देखिए थोड़ा सा हींग डाल दिए। अब तेल डालते हैं इस तरह से सबको मिक्स करके। तेल में ही सबको मिक्स करना है। कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। सबको मिक्स कर देते हैं। आप मसाला थोड़ा सा चख लीजिएगा, इसमें नमक या खट्टापन थोड़ा कम तो नहीं है, क्योंकि नमक और अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी अचार अच्छा लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लकड़ी ले लिए हैं छोटा सा टुकड़ा, उसी की सहायता से हम इसमें मसाला भरेंगे सारे मिर्च में इस तरह से दबा दबा के। दबा दबा के इस तरह से लकड़ी से ऐसे ऐसे करने से नीचे भी आ जाता है मसाला। ऐसे दबा दबा के मसाला इसमें भर दीजिए, देखिए इस तरह से। अचार बन के तैयार हो गया है। आप इसको दो चार दिन धूप में रख दीजिएगा, उसके बाद जार में साफ जार करके उसमें रख करके दबा दबा के तेल गरम कर उसमें हींग डाल के तेल गरम कर लीजिएगा, जार में डाल के रख दीजिएगा। एक साल तक अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो तो आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। थैंक्स।